आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को सही में ऐसा एडिट करना सिखा दूंगा। बट यार आप लोग को करना क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग ऐसा एडिट करना सीख पाएंगे। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते। और आज लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फटाक से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड को ओपन कर लेना, और हाँ, जो भी PNG बैकग्राउंड यूज़ करूँगा सारे के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को जाना है टूल्स वाला आइकन पे, और आप लोग को बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिसाइज करने के बाद आप लोग को यहाँ से जाना है ऐड फोटो पर, ठीक है। और आप लोग को अपनी फ़ोटो को ले मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, आप लोग को बाइक में बैठ के फ़ोटो को क्लिक करा लेना है, या फिर आप लोग साइकिल में बैठ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, या फिर कहीं आप ऊँची जगह में बैठ के फ़ोटो को क्लिक करा सकते हैं, ताकि आप लोग इस बाइक में बैठ सकें, ठीक है। तो आप लोग पोज समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या, कुछ इस टाइप से बड़ा करके यहाँ पर ऐसे लगा देना इसको। लगाने के बाद मैं आप लोग को बता दूँगा कि आप लोग को करना क्या है, तो मैं पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आप लोग को रेजर पे जाना है, और रेजर पे जाने के बाद आप लोग को पैर वगैरह सारे कुछ कट कर लेने हैं, ठीक है। और आप लोग को सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा निकालना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को करना क्या है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग को इरेज करना है, ठीक है। और इरेज करने के बाद आप लोग को करना क्या है वो आप लोग देखते जाइए वीडियो को। एंड आप लोग को इसमें जाना है पेंसिल पर, और पेंसिल पर जाने के बाद आप लोग को जूम कर लेना, और कुछ इस टाइप से ऐसे कर देना है इसे अप्लाई, ठीक है। सो जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग को करना है। एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद आप लोग को जो आपके पैर होंगे वो आप लोग को कट करके लगाना है, ठीक है। अगर आप लोग को सेम ऐसा पोज रहेगा ना, मतलब जो फ़ोटो आप लोग एडिट करना चाहते हैं सेम, अगर उसका पोज सेम रहेगा तो आप लोग ईजिली अपनी फ़ोटो को, बाद आप लोग को छोटा करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ये काम करना है, ठीक है। आप लोग को देन यहाँ से आप लोग को जाना है लेयर पे, और एक आप लोग को एम्प्टी लेयर को थोड़ा सा वो ओपेसिटी कम कर देना है। फिर आप लोग को इरेजर पे जाना है, और इरेजर पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ से आप लोग को साइज वगैरह ले लेना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। एंड आप लोग को जूम करना, जूम करने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप से इरेज करना है, ठीक है। सो इस टाइप से कर लीजिएगा आप लोग। एंड उसके बाद आप लोग को यहां से जाना है एक एम्प्लीयर बना लेना, और आप लोग को मॉडल के नीचे रख देना है, ठीक है। अभी हम उस साइड वाला पैर भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ पा रहा होगा, बट यार आप लोग को ऐसे ही एडिट करना होगा, तभी आप लोग की एडिट हो पाएगी इस टाइप से। तो साइड दे देना आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन। आप लोग दूसरा पैर भी आप लोग यहीं पे लगा सकते हैं ड्रॉप टूल्स पे, बट वो वाला जो पैर है उसमें मैं शैडो नहीं दूंगा, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मैं ले आता हूँ यहाँ से जाके, एंड बकाया ऐसा आप लोग को इरेज कर देना है। सो कुछ इस टाइप से आप लोग को कर लेना है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे से कर ली। यहाँ से जाइएगा ड्रॉ टूल्स पे, एंड ड्रॉ टूल्स पे जाके आप लोग को फ़ोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। एंड सेव करने के बाद आप लोग को जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन। तो स्नैपशीट में जैसे ही आइएगा आप लोग को सबसे पहले आप लोग को फेस पर अप्लाई करना है, और आप लोग को ब्राइटनेस वगैरह देख लेना है सब कुछ, ठीक है। और कुछ इस टाइप से कर देना है। और हाँ यार, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो। एंड उसके बाद आप लोग को टून इमेज पे जाना है, टून इमेज की जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आप लोग को देखते देखते करते जाना है, ठीक है। एंड डिटेल्स पे जाके आप लोग को डिटेल्स को भी दे देना है, ठीक है। एंड और भी आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, में और कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ।
सो आप लोग जैसे कि देख सकते हो हमारी फोटो परफेक्ट एडिट हो चुकी है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ है सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।